हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। ट्विंस डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना चाहिए और मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत ज्यादा फालतू चीजें बिल्कुल भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हॉस्पिटल जा रही हैं, कहीं घूमने नहीं। और आपको जो अपना हॉस्पिटल बैग है वो आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के शुरुआत से ही लगा लेना चाहिए, क्योंकि ट्विंस में कुछ डिलीवरियां 37 वीक के बाद होती हैं, बट कुछ डिलीवरियां 37 वीक से पहले ही हो जाती हैं। सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से ये क्लियर करना है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर आपकी सी सेक्शन होगी। तो आपको सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, जो भी आपने अभी तक टेस्ट कराए या अल्ट्रासाउंड कराए, और आपको अपना फोन एंड चार्जर जरूर रखना है, एंड आपको गर्म पानी की बोतल रखनी है जिसमें कि पानी गर्म बना रहता है। और आप अगर हॉस्पिटल के बर्तन यूज नहीं करना चाहती हैं तो आप नॉर्मली ग्लास, कटोरी, चम्मच एंड एक प्लेट बिल्कुल ले जा सकती हैं। और आप 2 से 3 गाउन जरूर ले लें, पर गाउन ऐसी लें जो कि फ्रंट में खुली हो, ताकि आप बच्चे को बहुत ही आसानी से ब्रेस्ट फीड करा सकें। एंड इसके अलावा आपको नर्सिंग ब्रा जरूर लेनी है। नर्सिंग ब्रा जो होती है वो स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए होती है, क्योंकि जो नॉर्मली ब्रा पहनते हैं उनमें आप ब्रेस्ट फीड कराने में आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी, बिकॉज उनको पीछे से खोलना पड़ता है, बट इसमें आगे का ही सिस्टम रहता है। आप इसमें फ्रंट में बहुत इजिली खोल के आप बच्चे को आसानी से फीड करा सकती हैं, एंड उसके बाद में आसानी से इसको आप लगा भी सकते हैं। तो आप जरूर मंगा लें, और आप थोड़ा सा सरसों का तेल भी रख सकती हैं। एंड इसके अलावा आप एक लिप बाम जरूर रखें, क्योंकि उस समय ओंट बहुत ज्यादा सूखते हैं एंड फटते हैं, बिकॉज पानी वगैरह जल्दी नहीं मिलता है पीने को, तो इससे आपको काफी अच्छा लगेगा। और आपको ध्यान से क्लिप या फिर हेयर बैंड जरूर रखना है। आप 1-2 क्लेचर भी डाल लें, ताकि आप जूड़ा लगाए, बिकॉज वहां उस समय बाल खुले रहते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी भी लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने जा रही है या फिर सी सेक्शन होने वाला है, तब भी आपको अपनी एक पुरानी मैक्सी जरूर लेके जानी है, और आप अपने पुराने 2 से 3 पेटीकोट भी ले जाएं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में आपके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, तो आप नए कपड़ों में ना करवाएं, बल्कि आप पुराने ही पहने और डिलीवरी होने के बाद में उनको वहीं का वहीं फेंक दें, वो ज्यादा बेटर रहता है। गंदे कपड़ों को घर पे ना लाएं। और आप एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने जा रही है, तो आपके घर में जैसे कोई भी कॉटन की बेडशीट हो पुरानी, कॉटन की कोई भी शर्टें हो पुरानी, आप इनको जरूर रख लें, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड क्योंकि अगर आपका सी सेक्शन होता है तो फिर आपको जो है इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो एक्स्ट्रा लार्ज वाले पैड ही चाहिए होते हैं, क्योंकि सी सेक्शन होने के बाद में ना तो आप खुद से उठ सकती हैं एंड ना ही खुद से चेंज कर सकती हैं। तो जो भी काम करती है वहाँ पे सिस्टर्स रहती हैं, वही करती हैं, आपका चेंज करना, आपको पहनाना, आपको उठाना या अदर कोई भी काम हो। और इसके अलावा आप चाहें तो एक तकिया भी ले जा सकती हैं, और अगर सर्दी का टाइम है तो आपको अगर हॉस्पिटल के बिस्तर नहीं पसंद है तो आप एक कंबल भी ले जा सकती हैं, एंड कुछ बिछाने के लिए भी बिल्कुल ले जा सकती हैं। एक्स्ट्रा लार्ज वाले पैड खुद ही खरीद लें, नहीं तो आपको हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हो जाते हैं, आप वहां से भी ले सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको अपने पर्स में थोड़ा सा कैश जरूर रखना है, मतलब हस्बैंड तो ले ही जाएंगे बट आपको भी रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उस समय घर पे आना जाना लगा रहता है, तो आपको इमरजेंसी में कोई भी चीज चाहिए है तो आप आसानी से ले सकें, या फिर आपको भूख लग रही है, चाय वगैरह कुछ भी लेना हो, बिस्किट लेना हो, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और आपको तौलिया एंड एक कंघा, और आपको टूथब्रश एंड टूथपेस्ट भी जरूर रखना चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपको जल्दी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन अगर आपका सी सेक्शन होता है तो आपको 3 से 4 दिन या फिर 8 दिन भी रुकना पड़ सकता है। जब आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिले तो आप घर पे आने के लिए जो भी कपड़े चाहे ढीले ढाले बिल्कुल रख सकती हैं, उनको पहन के आ सकती हैं। और अगर आपकी डिलीवरी सर्दियों में है तो आप जो है एक शॉल भी ले जाएं, एंड इसके अलावा आप अपने लिए 1-2 स्वेटर, गर्म पैजामे बिल्कुल रख लें, एंड बच्चों के लिए आप डायपर जरूर ले लें या फिर आप हॉस्पिटल से ले लें, क्योंकि 2-2 बेबी होते हैं तो डायपर की बिल्कुल जरूरत पड़ती है, बिकॉज आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आपका सी सेक्शन होने वाला है तो आप बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकती हैं, और अगर नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगी, बट फिर भी अगर आप बच्चों को डायपर में रखेंगी तो आपको ज्यादा रिलैक्स रहेगा, स्पेशली शुरुआत के दिनों में। और आप बच्चों के लिए कपड़े एंड बच्चों के लिए तिकोनी भी बिल्कुल रख सकती हैं, बट याद रखें आप तिकोनी बच्चों के लिए कॉटन की ही लेके जाएं, अगर किसी भी कपड़े में ना लेके जाएं।
और अगर आपकी ये फर्स्ट डिलीवरी है तो आप एक ब्रेस्ट पंप जरूर ले लें, क्योंकि शुरुआत में बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करना सिखाना पड़ता है और आपको भी सीखना पड़ता है, तो इसलिए आपको वहाँ पे ब्रेस्ट पंप की बिल्कुल जरूरत पड़ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको मोजे भी रखने हैं, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद आपका शरीर एकदम से ठंडा पड़ जाता है और आपको सर्दी लगने का बहुत ज्यादा डर रहता है, इसलिए आपको पैरों में मोजे जरूर पहनने हैं। और आपको अपने सिर पर बांधने के लिए अगर गर्मी है तो आप कॉटन का कपड़ा ले जाइए, और अगर सर्दी है तो आप सिर में कोई भी गर्म स्कार्फ वगैरह जरूर रख लीजिए, एंड जो गर्म वाले रुमाल आते हैं आप उनको रख लीजिए। बट याद रखना है आपको डिलीवरी के बाद में सर को ढक के एंड बांध के ही रखना है, गलती से भी ना खोलें। हो सकता है कि उस समय आपको थोड़ा बहुत गर्मी लग सकती है, बट अगर आप उस समय खुला रखती हैं अपने आप को, अपनी बॉडी को, तो बाद में आपका सर बहुत ज्यादा दर्द करेगा और साथ ही में आपकी बॉडी भी बहुत ज्यादा दर्द करेगी। आप एक रुई का पैकेट भी ले जाएं, और जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं तो सबसे पहले अपनी निप्पल्स को गर्म पानी से अच्छे से धो लें एंड रगड़ के, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा कस के नहीं रगड़ना है, बट फिर भी थोड़ा सा कस के साफ करें ताकि वहां पे जो भी डस्ट जम रही है वो अच्छे से निकल जाए। एंड उसके बाद में अपनी निप्पल जहां से बच्चे को आप दूध पिलाएंगी उसको भी फ्रंट में बिल्कुल अच्छे से पोछें, अच्छे से धुलें 3 से 4 बार, ताकि वहां पे कोई भी गंदगी ना रहे और बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और जब आपकी डिलीवरी का टाइम नजदीक आ जाए तो आप पहले से ही अपने निप्पल्स को साफ करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। आप हॉस्पिटल में जितना हो सके कम ही सामान लेके जाए, बहुत इम्पोर्टेंट ही लेके जाए। और इसके अलावा अगर आपको वहां पे कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आपके हस्बैंड आते जाते रहते हैं, तो आप तुरंत ही किसी ना किसी से मंगवा लीजिए। एंड फोन इसीलिए होता है ताकि आपको कोई भी चीज इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो आप फटाक से मंगवा लें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।